गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है इस बेहद खूबसूरत व्यू के साथ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ अपनी एरोबिक क्लासेस और रास्ते का व्यू है ये, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो बस वहाँ पर पहुँचूंगी, एक्सरसाइज करूँगी और फिर वापस आकर आपसे फिर से मिलती हूँ। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और घर पर आने के बाद मैंने शावर वगैरह लिया। आते ही सबसे पहले बाथरूम ही भागती हूँ क्योंकि इतनी स्वेटिंग होती है तो उसके बिना रहा नहीं जाता। फिर मैंने ये सोचा है कि आज ब्रेड बटर सिंपल सा ब्रेकफास्ट करती हूँ, ज़्यादा कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा था। कभी कभी होता है ना, मन नहीं करता ज़्यादा कुछ बनाने का। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल में लगा दिए थे सैंडविच और यहाँ पर मैंने ले लिया है बटर मिल्क यानी कि छाछ। छाछ में कुछ फ्लेवर लाने के लिए मैं कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ, कुछ इन्ग्रीडियंट्स मैं डालती हूँ, वो आप भी डालकर देख सकते हो सकता है आपको भी बहुत पसंद आए, जैसे कि ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चाट मसाला और जीरा पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद छाछ का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाता है। और साथ में मिलाती हूँ खूब सारी बर्फ़। ओ माय गॉड, बर्फ़ डालने के बाद तो मतलब क्या मज़ा आता है। मैंने नोटिस किया है कि छाछ के साथ ना मुझे ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। आप बताना आपको कैसी लगती है छाछ के साथ ब्रेड या सैंडविच, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने खूब सारी बर्फ़ डाल दी है और अब मैं इंजॉय करूँगी अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और ब्रेड पर थोड़ा सा बटर लगाऊंगी, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा मुझे नहीं लगाना था। तो यही है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं अभी मिल रही हूँ आप लोगों से और अभी मैंने चला रखा था टीवी सीरियल। हालांकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास टीवी सीरियल देखने का, लेकिन इसका काफ़ी दिन से ऐड आ रहा था क्योंकि मैं भाभी जी घर पे है देखती हूँ एनटीवी पर और लगातार इसका ऐड आ रहा था एनटीवी पर, गुड़िया हमारी सभी पे भारी या गुड़िया हमारी सभी पे भारी बोले तो इनके एक्सेंट में। अच्छा है सीरियल, कॉमेडी है और कॉमेडी सीरियल देखने चाहिए क्योंकि जितना भी स्ट्रेस होता है ना वो निकल जाता है। तो इस टाइप के जो सीरियल होते हैं ना ये काफ़ी स्ट्रेस बस्टर होते हैं, तो इन सीरियल को देख के ना दिन बन जाता है और चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। यार वैसे ही लाइफ में इतना ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस रहता है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन और स्ट्रेस चलता रहता है। तो इस टाइप के जो कॉमेडी सीरियल होते हैं मुझे देखना काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे भाभी जी घर पे हैं और ये है, और आजकल एक नया सीरियल आया है आगरा का है वो तेरा क्या होगा आलिया, मैं सोच रही हूँ उसके भी कुछ एपिसोड्स देखूँ क्योंकि वो भी मुझे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता कि घर के कामों के बाद थोड़ा बहुत इनको टाइम दूँ, लेकिन बीच में जो भी टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ। तो वैसे तो आज मॉर्निंग में बनी थी भिंडी की सब्जी और अभी मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, कशिश का फेवरेट। कशिश उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, जब भी मैं पनीर से रिलेटेड कोई चीज़ बनाती हूँ उसका चेहरा ना देखने लायक होता है, और कढ़ाई पनीर जिसमें से कि वो तो उसका मोस्ट 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 फेवरेट है। तो अभी बज रहे हैं 1:30 के अराउंड और मैं जल्दी से ये फटाफट से कढ़ाई पनीर बना लेती हूँ। फ़ैन चल रहा है, उसकी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो कढ़ाई पनीर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बन जाएगा। पनीर से रिलेटेड सब्जियाँ जो है वो ऐसे भी जल्दी बन जाती हैं, तो फटाफट बना लेते हैं, 30 मिनट में बन जाएगा, 20 और 30 मिनट के बीच में। तो अभी मैं ना कुछ वेजिटेबल्स स्क्वायर शेप में कट करने वाली हूँ। ये जो वेजिटेबल्स मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ ना ये मैं शैलो फ्राई करके और कढ़ाई पनीर में बाद में डालती हूँ लास्ट में, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है, बिल्कुल ऐसा जैसे रेस्टोरेंट में देखते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा ही लुक आता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज कढ़ाई पनीर बनाने वाली हूँ, तो पहले मैंने प्याज को दो हिस्सों में काटा, फिर उसे दो हिस्सों में और काटा, और उसके बाद मैंने इस तरीके से पील आउट कर लिया प्याज को। और ऐसे ही मैं कैप्सिकम के भी मैं छोटे छोटे स्क्वायर शेप के पीसेस कर रही हूँ, और ऐसे ही मैं टमाटर के भी करूँगी। तो सेम उसी तरीके से मैं टमाटर के भी छोटे छोटे स्क्वायर शेप में पीसेस करने वाली हूँ, लेकिन टमाटर का जो अंदर का हिस्सा होता है ना, जो बीज होते हैं, उसको मैं निकाल कर कटोरी में रख रही हूँ, और बाकी मैं इसके स्क्वायर पीसेस में कट कर लूँगी। और मुझे ये अंदर का वाला पार्ट नहीं चाहिए अपने उस चीज़ के लिए जो मैं तैयार कर रही हूँ। और फटाफट फटाफट ये मैंने सब चॉपिंग कर ली है, और आज मैंने सोचा कि कल जो मैंने ये नया मंगाया है ना चॉपर, वो यूज़ किया जाए। तो मैंने क्या किया, उसमें हाफ इंच के करीब अदरक डाल दी, तीन चार मैंने लहसुन की कलियाँ डाल दी, और दो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी। मतलब मैंने एक बात नोटिस करी, इसमें दो प्याज आराम से आ जाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है इसमें आना थोड़ा। तो मैंने इसमें दो प्याज आराम से डाल दी हैं, और इसके बाद मैं इसे आज पहली बार यूज़ करके देखने वाली हूँ। मैं भी एक्साइटेड हूँ कि पता नहीं कैसा वर्क करेगा, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोगों के सामने ही जो भी रहेगा, जैसा भी रिजल्ट होगा, आप लोग के साथ अभी शेयर भी कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने 5 to 6 टाइम घुमाया, क्योंकि मुझे थोड़ा बारीक चाहिए थी, तो बहुत ही बारीक वाली मैंने चॉप करी है इसमें अनियन, नोटिस कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मेरी जो अनियन है बहुत ही बारीक चॉप हो गई है, मतलब देख के मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छी हुई है। इतना तो मतलब आपकी मिक्सी में नहीं होती हैं एक्चुअली, मिक्सी जार में बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, तो ये पेस्ट नहीं बना था, ये छोटे छोटे चॉप हो गए थे, बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे। और इसी तरीके से मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया, और टमाटर को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया था, देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे दोनों चीज़ें। तो सच पूछो तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, काफ़ी हैंडी टैंडी है, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ हो जाता है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि अभी कहीं आप घूमने जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, तब भी इसे अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो ये तो रहा इसके बारे में जो कि मुझे पसंद आया, मैंने सोचा हाथ के हाथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो हम लोग कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, तो पनीर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो आज मैंने नया पनीर का पैकेट खरीदा है जो कि है अमूल का। इससे पहले मैं डेयरी का पनीर ही यूज़ करती हूँ, फर्स्ट टाइम इस अमूल के पनीर को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगता है अमूल का पनीर। ये नई पैकेजिंग लग रही है, वैसे मैंने कभी यूज़ ही नहीं करा तो मुझे इतना आइडिया ही नहीं है। तो जल्दी जल्दी मैंने पनीर को वॉश कर लिया है, क्योंकि मुझे डेयरी का पनीर जो है वो ज़्यादा फ्रेश लगता है एक्चुअली। तो अभी मैं पनीर के पीसेस को रेक्टेंगल शेप में कट कर रही हूँ। तो प्रिपरेशन तो सारी हो चुकी है, अब बनाते हैं कढ़ाई पनीर। तो ये जो मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, ये मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। सब लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कढ़ाई पनीर बनाते हैं, या कोई भी पनीर की रेसिपी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये कुछ मेरा स्टाइल है, मैं कुछ इस तरीके से बनाती आ रही हूँ कई सालों से, और इसी तरीके से मेरी फैमिली को पसंद है। तो फटाफट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पनीर को शैलो फ्राई करूंगी, तो मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है पैन में, और उसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर लिया चारों तरफ, और इसी में मैं पनीर के पीसेस जो है शैलो फ्राई करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने पानी से पनीर को धोया था, तो पनीर की जो छींटे हैं ना, वो बहुत ऊपर ऊपर तक जा रही थी, तो बस फिर मैंने सोचा कि इसको करछली की हेल्प से ही डालती हूँ, अदरवाइज़ मेरा हाथ ही जल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इनको शैलो फ्राई कर लिया है यहाँ पर। तो हमारे पनीर के पीसेस तो फ्राई हो चुके हैं, उन्हें मैंने कटोरी में निकाल कर अलग कर लिया है। अब सेम पैन में मैंने कोई भी ऑयल नहीं ऐड किया है, इसी पैन में जैसा भी ऑयल था, जितना भी था, उसी में मैं जो मैंने वेजिटेबल्स चॉप करके रखी थी स्क्वायर शेप में, अब मैं उनको भी शैलो फ्राई कर लूँगी एक एक करके। अनियन को करूँगी, फिर कैप्सिकम को, और लास्ट में टमाटो को, क्योंकि सब वेजिटेबल्स का जो फ्राई करने का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए मैं इस तरीके से हमेशा जो है सब्जियों को फ्राई करती हूँ।
तो यही मेरा तरीका है फ्राई करने का। और उसके बाद जब ये शैलो फ्राई हो जाएंगी तो मैं इनको भी बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि इन्हें हमें लास्ट में यूज़ करना है। बस अभी तो सिर्फ फ्राई करके रखना था मुझे। तो चलिए अब बनाते हैं कढ़ाई पनीर के लिए ग्रेवी। कढ़ाई पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब ऑयल ले लिया है और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, कुछ खड़े मसाले ऐड करें हैं, जैसे कि जीरा, मेथी दाना और मैंने अजवाइन, हाँ इसमें अजवाइन भी ऐड करी थी। और अभी मैंने इसमें 2 खड़ी लाल मिर्च ऐड करी है, तेजपात का पत्ता ऐड किया है, 2 काली मिर्च ऐड करी है, 4 काली मिर्च ऐड करी हैं और 2 लौंग ऐड करी हैं। तो इस तरीके से जो भी खड़े मसाले थे ना मैंने ऐड कर लिए हैं। अजवाइन का जो फ्लेवर है ना, कभी आप पनीर में देखना, बड़ा ही अच्छा आता है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट में ये फ्लेवर आपने टेस्ट किया होगा। तो अक्सर मैं क्या करती थी, पहले जीरा ही डालकर करती थी, लेकिन आजकल मैंने थोड़ा अजवाइन भी डालना स्टार्ट किया है पनीर की सब्जी में, उससे फ्लेवर थोड़ा चेंज होता है। तो अभी मैंने जो प्याज थी उसको फ्राई कर लिया था और फिर मैंने टमाटो को भी इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। एक चीज़ मैंने इस टाइम पर, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी जब भी मैं कढ़ाई पनीर बनाती हूँ रेगुलर डेज में और आज में, क्या फ़र्क था, चलिए होल्ड करते हैं, पहले मसाले बता देती हूँ आपको। तो लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच और 2 चम्मच मैंने डाला है धनिया का पाउडर और फिर मैंने डाला है इसमें हल्दी और फिर गरम मसाला और इसके बाद किचन किंग मसाला डाला है मैंने 2 स्पून के करीब, ये छोटी छोटी वाली स्पून है मेरी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इसी के साथ पानी ऐड करके इस मसाले को अच्छे से पकाऊंगी। तो अभी बात करती हूँ मैं उस चीज़ की जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, कि मैंने पहले भी कढ़ाई पनीर बनाया हुआ है लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने कढ़ाई पनीर बनाते समय ये बात नोटिस करी कि इसकी जो ग्रेवी थी ना वो स्मूथ नहीं बनी, बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने ये जो अनियन थी वो चॉप करी थी। हालांकि उस चॉपर में बहुत ही बारीक चॉप हो गई थी लेकिन पेस्ट नहीं बन पाया। तो अगर मेरी बताई हुई रेसिपी से आप कढ़ाई पनीर बनाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उस चॉपर में कहते हैं टमाटो और अनियन को चॉप ना करें, इसके लिए मिक्सी में ही पीसे, क्योंकि इसको हमें पेस्ट के में कन्वर्ट करना है, उसमें ज़्यादा कढ़ाई पनीर का फ्लेवर आता है, ऐसा मैंने नोटिस किया। चॉपर नो डाउट बहुत अच्छा है, मैं जितनी भी आगे सब्जियां बनाऊंगी मुझे मालूम है उनमें काम में आने वाला है, लेकिन कुछ इस टाइप की सब्जियां होती हैं जैसे छोले हुए, राजमा हुआ, पनीर की सब्जी हुई, उसमें मुझे लगा कि मिक्सी में पेस्ट बनाकर ही बनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो शैलो फ्राई करके वेजिटेबल्स रखी थी अब वो भी मैंने ऐड कर दी हैं पनीर के साथ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो पहले मैंने पनीर ऐड किया, फिर उसके बाद शैलो फ्राई करी हुई ये वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी हैं। तो इस टाइम कढ़ाई पनीर देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं आप यम्मी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अभी मैंने इसके अंदर ऐड की है टमाटो सॉस। टमाटो सॉस ऐड करते ही आपकी कढ़ाई पनीर का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और काफ़ी देखने में अच्छा लगता है वो कलर। तो पीछे चल रही है कुकिंग और अभी मैं रेडी करने वाली हूँ चपातियाँ। और इस टाइम ऐसा लग रहा है मेरा फेस ऐसा ही आप लोगों का भी होता होगा ना, ये इसलिए हिल रहा है क्योंकि मैंने स्टैंड हाथ में ले लिया है। थोड़ी देर पहले मैंने स्टैंड यहाँ रखा हुआ था स्लैब के ऊपर, जिससे कि वो अच्छे से मैं आपको दिखा सकूँ कुकिंग। और अभी मैंने जब हाथ में लिया तो इसी तरीके से होती है ना आपको स्वेटिंग। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी मेरी काफ़ी गंदी हो गई है, मुझे ये क्लीन करनी है। और अब मैं सोच रही हूँ कि जब क्लीन करना ही है तो दिवाली की सफाई के साथ क्लीन करूँगी। लेजी हो गई हूँ मैं, मुझे करनी तो है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब दिवाली की तो सफाई करनी है, उसी के साथ ये भी क्लीन हो जाएगी, ऐसा सोच रही हूँ। हो सकता है किसी दिन कर भी लूँ। ढोल बज रहे हैं कहीं पर, तो जब ढोल बजते हैं ना इस टाइप से और बैंड बाजे बजते हैं तो बस मन करता है डांस करो खूब सारा। एक टाइम पर मैं डांस को लेकर इतनी क्रेजी हुआ करती थी, अभी भी मुझे बहुत पसंद है डांस। मतलब अगर मुझे कोई साथी मिल जाए, मुझे कुछ मिल, मतलब स्टेज मिल जाए, डीजे मिल जाए, तो मैं अभी भी बहुत देर तक डांस कर लेती हूँ। क्या करती थी मैं एक टाइम पर ना, जब भी घर में किसी की शादी होती थी तो मैं जो डीजे लगता है ना उस स्टेज पर, जब वो स्टार्ट होता था तब से लेके और जब तक डीजे उठ नहीं जाता था तब तक मैं डांस करती रहती थी अपने कहते हैं अपनी सिस्टर्स के साथ, जो मेरी कजिन सिस्टर्स हैं। हम लोगों का इतना अच्छा ग्रुप है ना कि हम सब लोग मिलके इतना इंजॉय करते हैं। खासतौर से जो मेरी नानी की तरफ का घर है ना, वहाँ पर सबको बहुत अच्छा डांस का शौक है, बहुत बहुत अच्छा।
तो हम सब लोग मिलके इतना डांस करते हैं ना कि सच में डीजे वाला जब तक उठ नहीं जाता तब तक हम वहाँ से हिलते नहीं हैं। बहुत मज़ा आता है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए पनीर को ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर पनीर में से कहते हैं यानी कि पनीर की ग्रेवी में से ऑयल जो है सेपरेट आउट होने लगा है, यानी कि सब्जी लगभग बनकर तैयार हो गई है। बस अब इसे थोड़ा सा और मैं खुले में पकाऊंगी और उसके बाद कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है। And carry का नींबू का अचार मैं लेकर आई थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप अचार लेकर आए नहीं आए लास्ट में, तो मैं लेकर आई थी अमरीक सुखदेव से। तो आज कढ़ाई पनीर बनाए घर में, बहुत कशिश के लिए मैंने बनाया स्पेशली। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं ऐसे 4:30 के करीब, कुछ लगभग ऐसे ही टाइम हो रहा था। तो अभी ये जो सब्जी आई है मैंने सोचा इनको फ्रीज में लगा लिया जाए, और मतलब मेरा जब तक घर के सारे काम कंप्लीट ना हो जाए ना तब तक मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। चाहती तो मैं इस टाइम पर थोड़ी देर सो जाती, ये शाम वाम में भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं, पता नहीं मुझे बेचैनी सी रहती है। क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि जब तक घर के पूरे काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता? शाम की चाय बना रही हूँ, पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम हो गई है और अब मन कर रहा है चाय पीने का, और आज मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। पता है हम लोगों की कुछ आदतें ऐसी होती ना, जो खासतौर से मेरी, मुझे लगता है कभी कभी मेरी कुछ आदतें खराब है। जैसे कि मुझे, मेरा जब तक सारा काम नहीं खत्म हो जाता मैं रेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे पूरा घर क्लीन चाहिए, हर चीज जगह पर चाहिए, और मेरा जो एडिटिंग का काम है, जो भी काम है मेरा, सारे काम मुझे टेंच चाहिए। आज इतनी सारी सब्जियां थी घर में, मॉर्निंग में सब्जी लाई थी, वो इतनी सारी सब्जियां थी, उनको मैंने अरेंज किया आफ्टरनून में। चाहती तो मैं उस टाइम सो जाती, सब्जी रखती साइड में और सो जाती 1-1.5 घंटे के लिए, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। सब्जियां लगाई पहले मैंने सारी की सारी उसमें, टिफिन में नहीं, फ्रीज में। तो फ्रीज में मैंने सब्जियां लगाई, उसके बाद मैं क्या हुआ, हाँ उसके बाद आंटी आई थी, तो उनको मैंने कहते हैं गणेश चतुर्थी वाले दिन नारियल के लड्डू खिलाए थे, तो उनको बहुत अच्छे लगे थे। उन्होंने बोला ये कैसे बनाए नारियल के लड्डू तुमने, तो मैंने कहा 5 से 7 मिनट में बन जाते हैं, बहुत ही आसान है। तो मुझे बोलती है तुम मेरे लिए बना दोगी नारियल के लड्डू, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बना दूंगी। तो वो एक दिन पहले कल ना गोले का पाउडर ला कर रख गई, बोली कि गोले का पाउडर रख लो मेरे लिए बना लेना नारियल के लड्डू। मैंने कहा आंटी इसे मत ला कर रखो, ये मैं खुद ही दे दूंगी, मेरे पास रखा हुआ है। फिर भी वो जबरदस्ती नहीं नहीं तुम रखो रखो रखो, तो मैंने कहा ठीक है चलो, वो ले आई इतने मन से। फिर मैंने अपना मिल्क मेड का जो मेरा डिब्बा लाई थी मैं, उसमें मैंने कहते हैं आधा ही डिब्बा यूज़ किया था अपने कोकोनट वाले लड्डू के लिए, फिर हाफ वाला मैंने वो यूज़ किया उनके लिए, काजू बादाम किशमिश वगैरह सब डाल के मैंने उनके लिए नारियल के लड्डू बनाकर उनको दिए और उनकी फैमिली के लिए। तो शाम को मैं उस काम में लग गई, बहुत खुश हो गई थी। अरे यार क्या हुआ, अगर वो हाउस हेल्पर है तो क्या हुआ, इसमें क्या है, मतलब है तो हमारे घर में इतने सालों से काम कर रही है, और अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आ गई और उन्होंने इतने मन से बोला तो क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो मुझे बोलती नहीं बेटा ये मत लगाओ उसमें, तुम अपना मत लगाओ अपना मत लगाओ। मैंने कहा क्या होता है 4-5 चीज़ें लगाने से मैं कोई घट थोड़ी ना जाऊँगी, मेरे घर में पैसों की कमी थोड़ी ना हो जाने वाली है। अगर मैं कुछ थोड़ा सा मान यूज़ कर लूँगी आपके लिए, मैं कहा गोले का पाउडर भी नहीं लाना था, मैं तो ये भी लगा देती। फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो मैं ये बात कर रही थी, इन टोटल मेरी शाम जो थी वो ऐसे गुजर गई, और अब मेरी नींद तो पूरी हुई नहीं है, और अब क्या होगा, मैं एडिटिंग पे बैठूंगी, मैं 1 घंटा रात में एडिटिंग करती, 1 घंटा नहीं बल्कि 2 से 2.5 घंटे मुझे लगते हैं एडिटिंग करने, 8:30 पे बैठूंगी अब एडिटिंग करने में। तो ये सब कामों में खाना वाना एडिटिंग वेडिटिंग पता नहीं क्या क्या रहता है, एक लेडीज की लाइफ सच में स्ट्रेसफुल बहुत होती है। और क्या है कि हैप्पी भी दिखाना है, स्ट्रेसफुल रहोगे सारा दिन चेहरे पैसे रखोगे तो तुम्हारे फैमिली मेंबर और उदास हो जाएंगे।
मेरा तो यह है कि अगर मैं किसी को अपना मान लेती हूँ ना तो फिर दिल से मानती हूँ। अब वो मेरे यहाँ इतने टाइम से काम कर रही हैं और वो इतना खुश हो गई जब वो लड्डू बन के तैयार हुए ना, इतना खुश हो गई, बोल रही मैं अपने घर जाके अपने कहते हैं उनके पोते पोतियां हैं उनको खिलाऊंगी, घर में जो भी आएगा उनको खिलाऊंगी। और मैंने उनके सामने बनाए तो उन्होंने देख भी लिए कैसे बनते हैं। वो बोलती है अरे ये तो बहुत ही आसान है, अब तो मैं जब भी कोई मेहमान आया करेगा ना मैं यही बनाया करूंगी, और वरना बाजार से लेने जाती हूँ और उसमें भी पता नहीं चलता है कैसा खोया डाला है कितना। उन्हें भी पता है, सबको पता है दुनिया में कि बाजार में क्या चल रहा है, सारी चीजें प्योर नहीं है। तो बहुत खुश हो गई, मैंने कहा चलो अरे इतना सा करने के लिए क्या कितना टाइम लगता है, इतना सा टाइम लगता है यार। और खुशी जो मिलती है ना वो देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ चलो आज मैंने कुछ अच्छा काम कर लिया। तो पता है मेरा ये मानना है कि खुशियाँ जो है बांटने से बढ़ती हैं। अगर जितना खुशियाँ आप दूसरों को दोगे ना उतनी खुशी लौट कर आपके पास आएगी। तो कोशिश ये करो कि लाइफ में ना दूसरों को खुशी दे पाओ बजाय उनको स्ट्रेस देने के, उनको प्रॉब्लम बताने के अपने। वो तो लाइफ में सबके पास है प्रॉब्लम, स्ट्रेस सबको है, सबको प्रॉब्लम है। दुनिया में कोई भी एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो पूरे तरीके से सेटिस्फाइड होगा अपनी जिंदगी से। कोई ना कोई स्ट्रेस तो उसकी लाइफ में होगा, कुछ ना कुछ तो पेन होगा जो वो अपने दिल में दबा कर बैठा है। मेरी लाइफ में भी है कुछ ऐसी चीजें, लेकिन जरूरी नहीं मैं कि उन्हें हर समय गाती रहूं और बोलती रहूं हाय राम, या मैं किसी से जलेसी फील करूं उसको लेकर। ऐसा करूंगी तो मैं खुद कभी खुश नहीं रहूंगी। तो पता है कुछ लोग तो मतलब समझ नहीं पाते कि वो चाहते क्या है अपनी लाइफ से, वो ना तो खुद खुश रहते हैं और ना कभी दूसरों को खुश होते हुए देख सकते हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ही ये होती है, और जब वो खुद खुश नहीं होते हैं तो दूसरों क्या बोलना यार। मैं इतनी छोटी बात नहीं करूंगी, मैं बात करके अपना मूड नहीं खराब करना चाहती एक्चुअली। थोड़ी सी अदरक डालती हूँ, हालांकि गर्मी में अदरक वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन बिना अदरक के ना वो फ्लेवर नहीं आता और जो सर का जो दर्द है ना वो एकदम से खुलेगा नहीं। तो अदरक डालने के लिए थोड़ी सी इन्नी सी डालूंगी, इन्नी सी अदरक। क्या आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोग समर में चाय में अदरक डालकर पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी, वैसे मैंने पूरे समर नहीं पिए, मैंने अभी स्टार्ट करी है ये अगस्त के एंड से, जब बारिश हुई थी ना अगस्त एंड में तब से मैंने स्टार्ट करी है, और जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी तब से मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। इनफैक्ट मैं अदरक ला भी नहीं रही थी, बस इतनी सी लाती थी वो भी सब्जी वगैरह में डालने के लिए। काफी टाइम से सोच रही हूँ आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करने की, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे को अलग अलग कहते हैं बेली फैट कम करने के ऊपर। वो चाहते हैं कि मैं बेली फैट कम करने के ऊपर कुछ टिप्स दूं आप लोगों को। तो मैंने खुद का कैसे कम किया है, कुछ लोगों को क्वेश्चन ये भी था कि मेरा सी सेक्शन से है या फिर कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी थी, तो सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी थी तब भी मेरा स्टमक है वो फ्लैट है फिर भी। तो मैंने क्या किया था, कौन सी टिप्स मैंने यूज किए थे उस टाइम पर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जिनका बेली फैट है वो अपने फैट को कैसे रिड्यूस करें उसके लिए भी मैं 2-4 एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जल्दी शेयर करूंगी, जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी शेयर करूंगी। एक सब्सक्राइबर है जिनका मुझे अभी नाम तो नहीं याद आ रहा है, उन्होंने तो मुझसे आज से 2 महीने पहले शायद ये रिक्वेस्ट करी थी, और मैंने बोला भी था मैं आप उनके साथ जल्दी शेयर करूंगी, उसके बाद मेरे दिमाग से ही उतर गया, फिर बता नहीं और चीज़ों में मैं लग गई और वो बिल्कुल दिमाग में नहीं रहा। लेकिन आजकल मुझे और लोगों की भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं बेली फैट रिड्यूस करने कम करने के ऊपर कोई वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो मैं किसी व्लॉग में आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे बेली फैट आसानी से रिड्यूस होता है, और मैं खुद वो एक्सरसाइज करती हूँ। और मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मैं लास्ट 10 ईयर से लगातार कोई ना कोई एक्सरसाइज कर ही रही हूँ, चाहे वो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया हो या फिर मैं वॉक पे गई हूँ कभी, या फिर मैंने एरोबिक क्लासेस करी हो या फिर मैंने जुम्बा करा हो, तो मैंने ये सारी चीजें ट्राई कर चुकी हूँ, ट्राई एंड टेस्टेड है। और मैंने कभी भी एक्सरसाइज मतलब बहुत टाइम के लिए नहीं छोड़ी है, कभी छोड़ी भी है तो 1 मंथ का जैसे ब्रेक ले लिया उसके बाद फिर से ज्वाइन कर ली। तो अगर मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ आपकी तो मैं जरूर हेल्प करूंगी इस चीज में, मैं आपके साथ अच्छी वाली एक्सरसाइज शेयर करूंगी जिन्हें करने से आपका बेली फैट कम होगा। लेकिन आपके अंदर भी ना डेडिकेशन होना चाहिए, अगर डेडिकेशन है
तो इजी है ये काम करना, वरना फिर मुश्किल हो जाता है। हर चीज जो भी हासिल होती है ना, जो भी हमें चाहिए होती है, वो चीज थोड़ी सी मुश्किल होती है, रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उस रास्ते पे लगातार चलते रहोगे ना, तो रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं फॉर श्योर। तो अपना रास्ता मत भटको, बस उसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे चल रहे हो उस पर चलते रहो, तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएंगे। यहाँ आके बैठ गई है कशिश और चाय देख रही है। चाय तो मैं भी देख रही हूँ, तुम भी देख रही हो, दो लोग मिलके चाय देखेंगे आज। और चाय तब भी निकल गई तो क्या होगा? चाय निकलने वाली कशिश, चाय निकली 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 निकली। कशिश की फूंक ने चाय को नीचे कर दिया। बहुत स्ट्रांग है कशिश की फूंक। बेबी बेबी मेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। सो माय इवनिंग टी इज रेडी नाउ। और गाइस, शाम की चाय के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहें और आपको हमेशा अपनों का प्यार मिलता रहे। तो चलिए, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप में से कोई नया है और पहली बार मुझे देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या लगता है? थोड़ा सा टाइम ही जाएगा, बस नीचे जो रेड कलर का बटन है ना, बस उसको प्रेस कर दो और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। फिर इससे क्या होगा ना कि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगी वो आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर इजीली पहुंच जाएगी। लव यू सो मच गाइस, लव यू। मैं किसी देने बिना नहीं एंड कर सकती, तो लव यू, बाय बाय। My strife.